In this question, we have to find the value of this integration from 0 to 2 pi mod of cos x minus sin x dx. इसकी value हमें find out करनी है. Okay, so integration from 0 to 2 pi mod of cos x minus of sin x dx. So सबसे पहले हम cos x and sin x का graph draw करते हैं. Okay, cos x and sin x का graph draw करते हैं. So suppose this one line and this one is, so sin x is from 0 to 2 pi, क्या होता है, this is sin x, this one is sin x and cos x is, this one is cos x, okay, so at this point is pi by 4, so pi by 4 से पहले यह value क्या होती है, positive cos x minus, cos x value is greater than sin x, so इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करते हैं अब कैसे, क्योंकि ये वैल्यू मोड में है वैल्यू, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ओपन होगी ये, तो 0 टू पाई बाय 4 के अंदर cos x - sin x क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा cos x - sin x dx प्लस ऑफ देन पाई बाय 4 टू दिस वैल्यू इज पाई बाय 2 दिस वैल्यू इज पाई एंड दिस वैल्यू इज पाई प्लस पाई बाय 4 मींस दिस वैल्यू इज 5 पाई बाय 4 तक, तो यहां तक ये वैल्यू cos x इज ग्रेटर देन, cos x इज ग्रेटर देन, सॉरी cos x इज लेस देन sin x, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिवली ओपन होगी, मींस पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 तक ये वैल्यू माइनस में होगी, तो वैल्यू माइनस ऑफ cos x माइनस sin x dx कहां से का, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 तक, 5 पाई बाय 4 तक, नाउ आफ्टर दैट 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो वैल्यू पॉजिटिवली ओपन हो जाएगी, क्या होगी, पॉजिटिवली ओपन होगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिवली ओपन होगी, सो मींस 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई क्या होगा, ये cos x - sin x हो जाएगा, पॉजिटिवली ओपन हो जाएगी dx, सो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो 0 टू पाई बाय 4 के अंदर क्या होगा, cos x - sin x, सो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x हो जाएगा, प्लस ऑफ cos x हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय 4, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे और यहां से sin cos x का इंटीग्रेशन है sin x और sin x का cos x क्या हो जाएगा, cos x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में cos x और लिमिट फ्रॉम पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, ओके प्लस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x माइनस ऑफ sin x इंटीग्रेशन cos x माइनस में cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x, लिमिट फ्रॉम 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई, ओके, सो अब इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हमारे पास 2 पाई आ गया, सो दिस इज इक्वल टू sin x + cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, तो अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी 1 / √2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ 0 पर वैल्यू साइन 0 0 कॉस 0 इज 1 नाउ माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फ्रॉम लिमिट पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4 तक सो 5 पाई बाय 4 अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे सो साइन 5 पाई बाय 4 पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2 और कॉस भी माइनस में 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2 कॉस पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 प्लस ऑफ नाउ sin x + cos x फ्रॉम 2 पाई टू 5 पाई बाय 4 तक वैल्यू क्या आ जाएगी sin 2 पाई इज 0 cos 2 पाई इज 1 माइनस ऑफ sin 5 पाई बाय 4 इज माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड cos ऑफ 5 पाई बाय 4 इज माइनस 1 अपॉन रूट 2 ओके सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 दिस इज रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 माइनस ऑफ दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 दिस इज माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 और दिस इज प्लस रूट 2 क्योंकि ये वैल्यू प्लस रूट 2 सो आगे माइनस है तो ये माइनस रूट 2 हो जाएगा प्लस ऑफ दिस इज 1 माइनस ऑफ माइनस रूट 2 सो माइनस माइनस प्लस रूट 2 सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 माइनस माइनस 2 रूट 2 माइनस तो ये जो है प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 सो 1 से
वन कैंसिल आउट हो गए और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 to 2 पाई मोड ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज, दिस इज 2√2 + √2 + √2, दिस इज 4√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4√2। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई मोड ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 4√2 इक्वल्स टू 4√2, ये आ गया हमारे पास 4√2। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।